न्यूज़ मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की 100 बड़ी खबरों का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। उत्तर भारत में बीती रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात करीब 10:30 बजे आए भूकंप से दिल्ली एनसीआर कांप गया। भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी दिखा। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था, जहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। पहले खबर आई कि भूकंप का दूसरा केंद्र अमृतसर के पास था। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की ओर से जानकारी दी गई कि अमृतसर में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 दर्ज की गई है। भूकंप के बाद दिल्ली एनसीआर में लोग घरों से बाहर आ गए। जानकारों का कहना है कि भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, लेकिन भूकंप के केंद्र से पता चलता है कि किसी के बड़े नुकसान होने की आशंका नहीं है, जो राहत की बात है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि भूकंप के बाद अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों में किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि 2005 के बाद इतनी तीव्रता के भूकंप को महसूस किया। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, मैं घर से कंबल लेकर बाहर आ गया। एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जैश से जुड़े हिदायत उल्लाह मलिक के पास से डोभाल के ऑफिस का एक वीडियो पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है यह रेकी पिछले साल की गई थी। मलिक ने यह वीडियो अपने आकाओं को भेजा था पाकिस्तान में। इसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पीएम मोदी कल देश को 2 दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे। इस दौरान वे चेन्नई में कई प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। देश में निर्मित लड़ाकू विमान तेजस की सफलता के बाद एक और स्वदेशी युद्धक टैंक में सेना में शामिल हो गया है। स्वदेशी निर्मित टैंक अर्जुन को कल पीएम मोदी सेना को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी कोलकाता में जल शक्ति मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार ने यूपी के गन्ना किसानों की दुर्गति कर दी है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने स्वीकार कर लिया है। माना जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चमोली त्रासदी में मरने वालों की संख्या 38 हो गई है। तपोवन सुरंग में अभी भी लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड में ऋषिगंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र में एक झील बनने के बाद अब रौठी नाले के पास एक प्राकृतिक झील बन गई है। भूस्खलन के कारण बनी इस झील से पानी बहते हुए भी देखा गया है। इस झील की पुष्टि होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। इस बीच ऋषिगंगा के जल स्तर में उतार चढ़ाव को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी कर लोगों को सूर्यास्त के बाद नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। राजधानी में आज से कोरोना टीके की दूसरी डोज लगनी शुरू हो गई है। 16 जनवरी को सबसे पहले टीका लगवाने वाले 4,319 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज लगाई जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी एक पार्टी है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी चला आए। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या के मामले को अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच करेगी। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव देकर कार्रवाई की मांग की है।
बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि मैंने पहली बार देखा जब सदन के अंदर एक सांसद ने सभी को मौन रखने के लिए खड़ा होने के कहा, ये सदन का अपमान है। असम सरकार ने राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम में 5 रुपए की कटौती की, इसके साथ ही शराब पर 25% ड्यूटी घटाई गई है। नई दरों को टैक्स बीती रात से लागू हो गया है। यूपी के कासगंज में पुलिस पर किए गए हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोती धीमर की मां को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के पास से एक भाला भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला ने ही बेटे को इस हत्या के लिए उकसाया था। बिहार में कोरोना टेस्टिंग में हुए कथित फर्जीवाड़े पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सफाई दी है। दोनों ने कहा है कि इस मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दलित श्रम अधिकार एक्टिविस्ट और मजदूर अधिकारी संगठन की सदस्य नदीप कौर को उगाही के एक मामले में जमानत मिल गई है। फिलहाल वो हरियाणा के करनाल जेल में ही रहेंगी। दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची से जुड़े मामले में ईडी एक बार फिर एक्शन में आया। इस मामले में ईडी एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को ताजा समन भेजने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी जहूर अहमद को गिरफ्तार किया, जिस पर 3 बीजेपी नेताओं समेत कुलगाम में एक पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजस्थान दौरे के बीच जयपुर में उनके एक रिश्तेदार के घर पर चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक उनके रिश्तेदार के घर से घरेलू सामान गायब मिले हैं। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के रिश्तेदार से ठगी के 5 साल पुराने मामले में पुलिस ने दुमका के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम युवक को अपने साथ पंजाब ले गई है। हरियाणा के रोहतक में मेहर सिंह अखाड़े में हुई फायरिंग की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। रोहतक में हुई इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि खट्टर सरकार की कानून व्यवस्था का दिवाला निकल गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,143 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 103 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह फिर से घना कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। घने कोहरे के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक पहुंच गई। विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। कोहरे के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब है। वहीं उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भी घना कोहरा छाया। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्का से घना कोहरा छाया रहेगा। केरल के मुन्नार और इडुक्की में पारा 0 डिग्री से नीचे गिरने की वजह से यहां घास और पौधों पर ओस जम गई, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ आई। राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन को आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। मुगल गार्डन विभिन्न प्रजातियों के फूलों के लिए मशहूर है, जिसका दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। राजस्थान के लाखेरी में किसानों ने टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदेश पर टोल फ्री करवाया है। करेड़ा में एक युवक ने नेता विवाह करने से समाज के लोगों ने युवक को परिवार से बाहर कर दिया था, जिसके चलते प्रशासनिक कर्मचारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दोषी पंचों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पटना में राज्यसभा के पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक साथ मिलकर बिहार का विकास करने को तैयार हैं। फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी में एक लड़की ने ट्वीट कर गली में सीवर का पानी भरा होने की बात प्रशासन तक पहुंचाई, जिसके बाद से प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर में एक किसान की गला रेत कर खेत में निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट सहित कई और अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया है। यूपी के बागपत में पुलिस ने बजरंगी हत्याकांड के आरोपी सुनील राठी के ममेरे भाई को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर में किसान आंदोलन को धार देने की कवायद और तेज हो गई है। 18 फरवरी को पूरे देश में किसान रेल का संचालन ठप करेंगे। पटना में शॉर्ट सर्किट से किराना की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में लाखों का नुकसान हुआ और कई सामान जलकर खाक हो गए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के मामले में बेल नहीं मिली। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख दी है। राजस्थान के जालौर में संदिग्ध अवस्था में एक किशोर का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के कोटा में नाबालिग लड़की को अगवा करने के मामले में पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। राजस्थान के हिंडोली में पुलिस की सख्ती के बावजूद अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही है, साथ ही बिना लाइसेंस के शराब बेचने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजस्थान के तारानगर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत चल रही 5 दिवसीय सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की संयुक्त कार्यशाला प्रशिक्षण का समापन हो गया है। यूपी के उन्नाव में जंगल में अजगर निकलने की सूचना से हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी डीडी पाल ने बताया कि अजगर को रेस्क्यू कर लिया गया है। यूपी के देवरिया में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति अगर किसी तरह की कमी हुई तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। झारखंड के साहिबगंज में पुलिस ने मोबाइल चोर के गिरोह को 2,50,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। बाकी अपराधियों की तलाश जारी है। राजस्थान के बूंदी में आम जनता के साथ पुलिस की बदसलूकी और अपराधियों को पनाह देने के बाद एक युवक ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। जोधपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन के मंडल ने रैली निकालकर रेल अप्रेंटिस युवक को रेलवे में समाहित न करने के विरोध में रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कोटा में शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षा एसीबी ने अधिकारियों और करियर को 10,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मधुबनी में 2 बसों की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कर्नाटका के कोलेगाल कॉलेज में एक छात्र ने प्रिंसिपल से वैलेंटाइन डे पर छुट्टी की मांग की है। साहिबगंज में पुलिस ने देशी शराब के कई अड्डों पर छापेमारी करते हुए लगभग 25 लीटर अवैध देशी महुआ शराब को नष्ट किया है। साहिबगंज में वीर सुपुत्र तिलका मांझी की जयंती के अवसर पर 1 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। यूपी के प्रतापगढ़ में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार के औरंगाबाद में चीनी लदे ट्रक को लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है। पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल 5 अपराधियों को दबोच लिया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में सड़क की काफी खस्ता हालत है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बागपत में एक महिला ग्राम विकास अधिकारी ने अपने ही संस्थान के उपनिदेशक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इंसाफ ना मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। कानपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध शराब सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 310 पेटी अवैध शराब की बरामद की है। पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव हुआ है। पेट्रोल 88.4 और डीजल 78.7 पर बढ़कर बिक रहा है। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में और गिरावट आ गई है। गोल्ड 47,457 रुपए में पहुंच गया है, वहीं सिल्वर 68,725 रुपए पर पहुंच गया है।
सरकारी आंकड़ों के खिलाफ खुदरा महंगाई दर में गिरावट नरम होकर 4.06% पर आ गई है। इसका मुख्य कारण सब्जियों की कीमतों में कमी आना है। अमेजन रिलायंस फ्यूचर डील को रोकने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में लगे स्टे को हटा दिया था। टाटा समूह की कंपनी टाइटन की तीसरी तिमाही के शुद्ध मुनाफे में 11% की गिरावट आई है। हालांकि इस दौरान कंपनी के रेवेन्यू में 18% की बढ़त दर्ज हुई है। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी में निवेश की तैयारी बढ़ गई है। साथ ही इसके लिए 3 कंपनी 55,500 करोड़ रुपए लगाएंगी। सरकारी कंपनी रेलटेल का 16 फरवरी को आईपीओ सब्सक्रिप्शन खुल जाएगा। यहां 18 फरवरी को खुला रहेगा। सियाम के आंकड़ों के मुताबिक पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 11% का इजाफा हुआ। टू व्हीलर्स की बिक्री में भी 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों से कहा कि ग्राहकों को डिजी लॉकर के जरिए डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाए, इससे क्लेम प्रोसेसिंग भी तेजी आएगी। IRDI ने आग्रह किया कि डिजिटल नेशनल मोटर इंश्योरेंस से कोई पॉलिसी न ले, क्योंकि कंपनी के पास बीमा कवर बेचने का लाइसेंस नहीं है। दुनिया भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4.13 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में बीते 24 घंटों में 92,232 नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना से 2,620 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस की महामारी के चलते सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। पिछले साल ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 9.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने एक बयान में कहा, आज के आंकड़े बताते हैं कि महामारी के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा है, जिसे दुनिया भर के देशों ने महसूस किया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने कहा कि कैबिनेट अर्थव्यवस्था में जॉन डॉलिन नाकाम रहे, किम तू द्वितीय की जगह अब सुओंग आर्थिक विभाग को संभालेंगे। ब्रिटेन में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से ठंड बढ़ी है, क्योंकि वहां पर 66 साल में पहली बार -2 डिग्री तापमान पहुंच गया है। रूस और चीन के दबाव में म्यांमार के लिए संशोधित प्रस्ताव पारित हुआ। म्यांमार में सैन्य नेताओं से आग्रह किया है कि आंग सान सू ची समेत सरकार के अन्य असैन्य सदस्यों को तत्काल रिहा किया जाए। चीन को पिछले साल जन्म दर में करीब 1/3 की गिरावट देखनी पड़ी। आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 10.3 मिलियन पंजीकृत जन्म थे और वहीं 2019 से 30% की कमी है। शिनजियांग में गलत रिपोर्टिंग का हवाला देते हुए चीन ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर बैन लगाया। इस बैन के बाद ब्रिटेन ने इस कदम को अस्वीकार्य बताया और कहा कि इससे चीन की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। रूस के जर्जिस्क में रासायनिक प्रदूषण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां रासायनिक प्रदूषण के कारण आवारा कुत्तों का रंग नीला हो रहा है। कपूर फैमिली ने राजीव की आत्मा की शांति के लिए पूजन किया, जहां पर आलिया भट्ट समेत चुनिंदा सेलेब्स श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आमिर खान की बेटी इरा खान इन दिनों नुपुर शिखेर को डेट कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अपनी फोटो शेयर की। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म सूर्यवंशी 2 अप्रैल को रिलीज हो सकती है। हालांकि मेकर्स इसे लिमिटेड सिंगल स्क्रीन्स और नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स में ही रिलीज करेंगे। शशांक खेतान की अपकमिंग फिल्म में शाहिद कपूर रिप्लेस हो गए हैं, जिसका कारण उन दोनों के बीच क्रिएटिव डिफरेंस बने हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फिल्म धूम 4 में बतौर विलेन नजर आ सकती हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म के लिए दीपिका को अप्रोच किया है। इंडिया इंग्लैंड चेन्नई टेस्ट के लिए 50% फैंस को एंट्री की मंजूरी मिली। साथ ही स्टेडियम में
मेडिकल और आइसोलेशन रूम भी बनाया गया। टीम इंडिया के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने उम्मीद जताई है कि इंग्लैंड के खिलाफ आज दूसरे टेस्ट मैच की पिच पहले दिन से स्पिनरों के लिए मददगार साबित हो। हालांकि 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 0-1 से पीछे है। जमैका के धावक हुसैन बोल्ट का क्रिकेट खेलते वीडियो शेयर हुआ, जिसमें उन्होंने कवर ड्राइव लगाया। सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले, इस साल आईपीएल में ट्राई कीजिए। आईपीएल नीलामी लिस्ट में 128 विदेशी खिलाड़ी चुने गए, इनमें से सबसे ज्यादा 35 ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के 20 खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष योशोरी मोरी ने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। दरअसल मोरी ने ओलंपिक समिति की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कहा था, महिलाएं बहुत बोलती हैं क्योंकि उनमें प्रतिद्वंद्वता की भावना बहुत होती है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलस्तान।